Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस को. फ्रेंड्स, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है जो 1623 में पब्लिश हुई. आज की इस वीडियो में हम इसके मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे. वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटे के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास है शायलॉक. फ्रेंड्स, ये वेनिस में एक यहूदी साहूकार था जो वेनिस के ईसाइयों और ख़ासतौर पर ताजर एंटोनियो के हाथों बरसों की ज्यादतियों से परेशान था. शायलॉक का गुस्सा और तलखी इसे एंटोनियो के साथ एक माहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर करती है, जिसमें एंटोनियो जो होता है वो कर्ज के लिए अपने गोश का एक पाउंड जमा करता है, और जब एंटोनियो अपना कर्ज पूरा नहीं कर पाता तो शायलॉक उस पर कोई भी रहम करने से इनकार कर देता है और वह इसरार करता है कि कानून को बरकरार रखा जाए और वो अपना पाउंड गोश ले जाए. शायलॉक की अपनी बेटी जेसिका और उसके साथ जो दीगर करेक्टर्स होते हैं वो उसे हैवान समझते हैं, इसलिए शायलॉक के साथ उनका जो सलूक होता है वो इस तासुब और मुनाफ़त को रोशन करने में मदद करता है. जो इंसानी भाईचारे और मसीही रफाकत के इन बयान करदा बहुत से नज़रियात के पीछे था. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है एंटोनियो. फ्रेंड्स, एंटोनियो एक खुशहाल वेनिशियन ताजर होता है जिसे उसके साथ के शहरी बहुत पसंद करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं. अपने एक दोस्त बसैनियो को पोर्शिया की मदद करने के लिए एंटोनियो शायलॉक के साथ एक माहदे पर दस्तखत करता है, जिसमें उसके अपने गोश के एक पाउंड के साथ कर्ज की जमानत दी जाती है. क्रिटिक्स का कहना है कि एंटोनियो बसैनियो के लिए अनरिक्वाइटेड इरोटिक डिज़ायर रखता होता है, और इस एहसान के बरक्स जो वो दूसरों को दिखाता है, एंटोनियो शायलॉक और यहूदियों के साथ शदीद नफरत का इजहार करता है. हालांकि ड्रामे के एंड पर वो दलील देता है कि शायलॉक पर रहम किया जाना चाहिए और उसे मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है पोर्शिया. फ्रेंड्स, पोर्शिया एक खूबसूरत, होशियार और दौलतमंद रईस औरत होती है जो वेनिस से बाहर बेलमंट के कंट्री स्टेट में रहती है. पोर्शिया अपने वालिद की वसीयत में एक शिक के ज़रिए बाउंड होती है जो उसे सोने, चांदी और सीसे में से एक सही का इंतखाब करके ताबूत की नामोनिहाद पहेली को हल करने वाले से शादी करने का पाबंद बनाती है. सूटर्स के एक परेड से मायूस होने के बाद, जिसे वो नागवार समझती है, पोर्शिया अपने सच्चे प्यार बिसैनियों से शादी कर लेती है और वो खुशी खुशी उसका इंतखाब करती है. वो एंटोनियो की ज़िंदगी को भी बचाती है जब उसने शायलॉक के साथ उसके मुकदमे की समाअत के दौरान बेल्थज़ार नामी वकील के कपड़े पहने हुए होते हैं. पोर्शिया को सदियों से फेमिनिन वर्च्यू का आइडियल समझा जाता था, और बहुत से क्रिटिक निशानदाही करते हैं कि पोर्शिया बज़ाहिर एक बासलाहियत और कामिल बीवी नज़र आती है, मगर हकीकत में वो ईसाइयों और गैर मुल्कियों के साथ एक शैतानी तासुब का मुजाहरा करती है. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है बिसैनियो. फ्रेंड, जो वेनिस से ताल्लुक़ रखने वाला एक रईस होता है, ये एक रिश्तेदार और करीबी ताजर दोस्त एंटोनियो का मकरूज होता है, क्योंकि वो पोर्शिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता होता है लेकिन खुद ऐसा करने का मुतहम्मिल नहीं होता. बिसैनियो शायलॉक से 3000 दिरहम्स कर्ज लेता है जिसका एंटोनियो जामिन होता है. पोर्शिया का दावेदार होने के साथ और बाद में उसके शौहर की हैसियत से उसे ड्रामे का रोमांटिक हीरो बनाया गया है, लेकिन उसके किरदार में बहुत सी खामियां होती हैं. वो सबसे ज़्यादा बेखबर और शऊरी तौर पर खुदगर्ज और जोड़ तोड़ में हमेशा अपने तरीके से कमाने से बचने का इंतज़ाम करता है. वो अपने दोस्त एंटोनियो की सखावत का इस्तेहसाल करता है और फिर वो आज़ादाना तौर पर पैसे और तहाइफ पर खर्च करता है जो पोर्शिया उसे देती है. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है ग्राशियानो. फ्रेंड्स, एक बदनामे ज़माना यहूदी वेनिशियन और बिसैनियो का दोस्त होता है. जब बिसैनियो पोर्शिया को अदालत में पेश करता है तो ग्राशियानो को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन आखिर में वो उसकी नौकरानी नेरिसा से शादी कर लेता है. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है जेसिका. फ्रेंड्स, जेसिका शायलॉक की बेटी होती है जो अपने बाप को मैज हकीर समझकर उसे लूटती है. वो एक ईसाई वेनिशियन लोरेंजो के साथ भाग जाती है और क्रिश्चियनिटी इख्तियार कर लेती है.
नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है लोरेंजो। फ्रेंड्स, ये एंटोनियो और बिसानियो का एक वेनिशियन दोस्त होता है। इससे शाइलॉक की बेटी जेसिका से मोहब्बत हो जाती है। ये जेसिका के साथ भाग जाता है और उससे उसकी तमाम चीज़ें और पैसे ले लेता है जो वो अपने बाप से चुरा कर ले आती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है नेरिसा। फ्रेंड्स, ये पोर्शिया की नौकरानी और एक बाएतमाद औरत होती है। ये बिसानियो के साथ ही ग्रेशियानो से शादी करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है लॉन्सेलेट गोवो। फ्रेंड्स, एक मस्खरा नौकर होता है और ये बिसानियो के साथ काम करने के लिए शाइलॉक को छोड़ देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है सिलेरियो। फ्रेंड्स, ये एक वेनिशियन नोबल मैन होता है। ये एंटोनियो, बिसानियो, ग्रेशियानो और लोरेंजो का दोस्त होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है सुलेनियो। फ्रेंड्स, ये एक वेनिशियन नोबल मैन होता है और सिलेरियो का बेहतरीन दोस्त होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है प्रिंस ऑफ मोरोको। फ्रेंड्स, ये मूरिश का प्रिंस होता है जो पोर्शियो को बेलमंट में आमादा करने आता है। वो पोर्शियो से कहता है कि वो उसकी जिल के रंग से उसको जज ना करे, लेकिन वो भी गलती से सोने का ताबूत चुनता है जो कि गलत होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है प्रिंस ऑफ एरागोन। फ्रेंड्स, ये एक स्पेनिश रईस होता है जो बेलमंट से पोर्शियो को खुश करता है। ये भी गलती से चांदी का डब्बा चुनता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है ड्यूक ऑफ वेनिस। फ्रेंड्स, ये एंटोनियो के मुकदमे की सदारत करता है। ड्यूक शाइलॉक को एंटोनियो पर रहम करने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता होता है कि वेनिस के तिजारती मुकदमात उसके कवानीन के मुस्तकिल इतलाक पर मुनहसर हैं, इसलिए वो एंटोनियो की मदद के लिए कोई रियायत नहीं कर सकता। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओल्ड गोबो। फ्रेंड्स, ये लॉन्सेलेट का नाबीना बाप होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्यूबल। फ्रेंड्स, ये वेनिस में एक यहूदी होता है और ड्रामे में ये शाइलॉक का बाएतमाद दोस्त होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है डॉक्टर बिलेरियो। फ्रेंड्स, ये पोर्शिया का कज़न और एक मुअज्ज़ज़ वकील होता है जो कभी स्टेज पर नज़र नहीं आता। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेल्थज़ार। फ्रेंड्स, ये पोर्शिया का नौकर होता है जिसे वो बिलेरियो से उसे तारुफी खतूत और मलबूसात हासिल करने के लिए भेजती है। बेल्थज़ार भी पोर्शिया का नाम होता है जब वो अदालत में वकील की नकल करने के लिए यूज़ करती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने द मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।